नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं ईवीएम मशीन की। ईवीएम मशीन का निर्माण बहुत सारी कीमतों और बहुत सारी जो चलती राजनीति के तहत हुआ था। बहुत साल पहले जब हमारा वोटिंग सिस्टम पेज पे लिया जाता था या कागज के थ्रू उन्हें वोटिंग बैनर में डाला जाता था, फिर उसके बाद उन्हें काउंट करके उसका रिजल्ट अनाउंस किया जाता था। लेकिन इस समय काफी सारा टाइम वेस्ट भी होता था और कई लोगों की मेहनत भी लगती थी। इसी से बचने के लिए ईवीएम मशीन का निर्माण हुआ था। ईवीएम मशीन ने ना केवल टाइम को बचाया बल्कि उसने बढ़ती हुई पेपर कॉस्ट पे भी रोक लगा दी। पेपर कॉस्ट के सबसे बड़ी रोक लगने की वजह से ही डेवलपमेंट हुआ है। ईवीएम मशीन के निर्माण ने ना केवल टाइम बचाया, कई जगहों पर बजट को भी संभाल लिया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ईवीएम मशीन को कई जगहों पर झूठा साबित किया गया है? उन्होंने ये बताया कि ईवीएम मशीन में डाले जाने वाले वोट हम किसी और को चले जाते हैं, हम देते किसी और को हैं लेकिन वो काउंट किसी और के में हो जा रहे हैं। तो इसका पता कैसे लगाया जाए? ईवीएम मशीन एक सेफ मशीन के रूप में दिखाई गई है, लेकिन क्या ये सेफ है? इसके पहला टेस्ट केरल में हुआ था 1982 में, लेकिन उसके बाद कई जगहों पर इसका निर्माण बढ़ता चला गया और आज तक ये सिर्फ यही मशीन हो गई है जिसपे वोट दिए जाते हैं। पेपर वोट को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं या आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि वोटिंग मशीन में भी कुछ गड़बड़ों की सूची प्राप्त हुई है? ये कहा गया है कि वोटिंग मशीन की जो स्क्रीन है उसमें एक छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस होता है जिसपे काउंटिंग हमारी जाती है और हम जो वोट देखते हैं वो वही काउंट होते हैं और बाद में उन्हें कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उसी ब्लूटूथ डिवाइस की वजह से ही हम काउंटिंग को चेंज कर सकते हैं और अलग अलग दफ्तरों में अपने मनचाहे नंबर्स को पा सकते हैं। इससे हमारी वोटिंग और वोट्स किसी और को भी जा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ दावे किए गए हैं जिसमें वोटिंग मशीन उफ ईवीएम को झूठा करार दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा है तो सरकार इस पर अब तक चुप क्यों है? अगर ऐसा नहीं है तो लोगों को इस तरह के झूठे दस्तावेज सामने लाने की भी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वोट्स आगे चल के काफी मेहनती साबित होंगे या फिर ये यहीं रुक जाएंगे? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।